नमस्कार छात्रों और शिक्षा जगत से जुड़े हुए कॉम्पिटिटर्स जो इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं शेयर करना चाहूँगा चैप्टर वन के मॉडर्न इंडिया भारत से संबंधित जो टाइम इंडिया इन द 18th century 18वीं शताब्दी का भारत के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो बिपिन चंद्रा का कितनी बुक है 12वीं क्लास का, जिसमें डीके ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया है, किस तरह औरंगजेब की नीतियाँ इसके डिक्लाइन पतन का कारण बनी, जैसे ग्रेट मुगल एम्पायर जो है ना, बहुत इसके कॉम्पिटिटर्स थे, राइवल्स थे, लेकिन फिर भी यह टिका रहा। और इस देखिए इन द एंड ऑफ द 1803 में ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिश आर्मी एंड द प्राउड मुगल एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ ए मेयर पेंशनर ऑफ ए फॉरेन पावर, जो एक पेंशनर के रूप में जीना पड़ा उन 1803 में। द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, एकता और स्थिरता ऑफ द एम्पायर हैड बीन सेकेंड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, तो लास्ट रूलर में देख लीजिए कि इसमें आपको स्थितियां ख़राब हुई, जिसमें इसकी नीतियां इसके लिए ज़िम्मेदार थी, जिसको बोलते हैं पॉलिसीज, हानिकारक नीतियां। इसीलिए रूलर्स को नीतियाँ अच्छी बनानी चाहिए ताकि लंबे समय तक डेमोक्रेटिक वे में चला जाए। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टिल क्वाइट एफिशिएंट, फिर भी यह मुगल एफिशिएंट था, लेकिन 1707 में इस औरंगजेब की मृत्यु के समय, मोर ओवर द मुगल डायनेस्टी स्टिल कमांडेड रिस्पेक्ट टू द कंट्री, जो देश को संभाल रहा था, लेकिन 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हुई तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, फिर भी ठीक ठाक थी। ऑन औरंगजेब्स डेथ हिज 3 sons, तो औरंगजेब के कितने पुत्र थे, 3, एमंग देमसेल्व्स फॉर थ्रोन, ये ताज के लिए लड़ाई। 65 वर्षीय बहादुर शाह जो है जीता, औरंगजेब का पुत्र था। यहाँ इसके बारे में लिखा गया, लर्न डिग्निफाइड और देयर इज एविडेंस ऑफ रिवर्सल ऑफ सम ऑफ द नैरो माइंडेड पॉलिसीज एंड मेजर्स अडॉप्टेड बाय औरंगजेब। तो यहाँ कह रहा है कि जो औरंगजेब की नीतियाँ थी उसको वह जो चेंज किया, एंड मेजर्स अडॉप्टेड बाय औरंगजेब द अडॉप्टेड मोर टॉलरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स द हिंदू चीफ्स एंड राजास। यह एक टॉलरेबल राजा था बहादुर शाह, धर्म के प्रति, सभी धर्म में मानता था। इन द बिगनिंग ही मेड एन अटेम्प्ट टू गेन, देखिए, ग्रेटर कंट्रोल ऑन राजपूत स्टेट्स, राजपूत स्टेट्स में भी कंट्रोल करना चाहा, अंबर और मारवार, जोधपुर राजस्थान का एरिया है, बाय रिप्लेसिंग जयसिंह बाय हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह। तो जयसिंह जो विजय सिंह द्वारा हटाया गया एट अंबर एंड फोर्सिंग अजीत सिंह टू मारवाड़ टू सबमिट द मुगल्स अथॉरिटी, और अजीत सिंह को बोला गया कि मारवाड़ को सबमिट करे मुगल अधिकारी को। ही ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट गैरिशन ऑफ सिटीज ऑफ अंबर एंड जोधपुर। अंबर को आमेर बोल सकते हैं, जोधपुर राजस्थान का एरिया है, जिसमें गैरिशन ऑफ द सिटीज़, गैरिशन क्या होता है कि फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करना, किले की तरह बनाना। द अटेम्प्ट वाज हाउएवर मेट विथ फर्म रेसिस्टेंस, दिस मे हैव मेड हिम रिकॉग्नाइज द फॉली ऑफ हिज एक्शंस एंड अराइव द सेटलमेंट थ्रू ए फेमस वन ऑफ 2 states। यहाँ देखिए सेटलमेंट्स की बात आ रही है अपने सीमा में मिलाने के लिए बहादुर शाह द्वारा। दो देयर स्टेट्स वर रिस्टोर्ड टू द राजा जयसिंह एंड अजीत सिंह, देयर डिमांड फॉर हाई मनसब रैंक्स, मनसब क्या है, रैंक्स है, मनसबदार बोलते हैं ना, मनसबदार वो रैंक होते हैं, रैंक मतलब उसका जो श्रेणी क्रम, एंड ऑफिसेज ऑफ सूबादार्स ऑफ ए इम्पोर्टेंट प्रोविंस एज मालवा गुजरात वाज नॉट एक्सेप्टेड। मालवा और गुजरात क्या है, वेस्टर्न पार्ट में है, भारत के कौन से भाग में, वेस्टर्न पार्ट में। हिज पॉलिसी टूवर्ड्स द मराठा सरदार चीफ वाज ऑफ द हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, मैंने आधे दिल से माना गया था। वेल द ग्रांटेड हिम द सरदेश मुखी ऑफ द डक्कन, तो ग्रांटेड क्या किया, सरदेश मुखी मराठा राज्य में कर था, तो कर तो चौथ और सरदेश मुखी दोनों कहते हैं, लेकिन सरदेश मुखी के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो
यहाँ आप ये जान लीजिएगा कि सरदेशमुखी किधर था, तो ये डक्कन में लागू था। चौथ भी लिख सकते हैं सरदेशमुखी, लेकिन आपको जब सरदेशमुखी बोला जाएगा किस एरिया में था, तो डक्कन में था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेक्कन, तो डक्कन बोलते हैं हिंदी में। ही फेल टू ग्रांट देम चौथ, चौथ भी देखे हैं द स्पेलिंग सेटिस्फाई देम फुल्ली। ऑल्सो डिड नॉट रिकोगनाइज साहू एज अ राइटफुल मराठा किंग, साहू साहू जी एंड डज द ताराबाई एंड साहू फाइट सुप्रमेसी फॉर मराठा किंगडम। तो ताराबाई साहू में युद्ध हुआ, द रिजल्ट वॉज द साहू वॉज मराठा सरदार्स रिमेंट डिससेटिस्फाइड, द दक्कन कंटिन्यू टू बी द प्रे टू डिसऑर्डर, देयर कुड बी द रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नो लॉन्गर मराठा सरदार्स फाउट अनदर वेल फाउट अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ दिखा है कि साहू एंड मराठा सरदार्स रिमेंट डिससेटिस्फाइड, है ना, साहू एंड मराठा सरदार्स रिमेंट डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह है ट्राई टू कंसिलिएट द रेबेलियस सिख बाई मेकिंग पीस विथ गुरु गोविंद सिंह। यहाँ बहादुर शाह देखिए सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह और उनके हाई मनसब रैंक्स को देखा, वी पीस रेबेलियस सिख जो है ना मिलाना चाहा, बट देयर आफ्टर डेथ ऑफ द गुरु द सिख वंस अगेन रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट इन द पंजाब अंडर द लीडरशिप बंदा बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन था, बंदा बहादुर। द एम्पायर डिसाइडेड टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर इन हिमसेल्फ, लेड कंपेन अगेंस्ट द रेबल्स एंड कंट्रोल प्रैक्टिकली एन एंटायर टेरिटरी बिटवीन सतलज एंड जमुना, रिप्लेसिंग क्लोज नेबरहुड ऑफ दिल्ली। तो जमुना नदी तो वहीं जानबे करते हैं, सतलज तो दिल्ली से पंजाब हरियाणा जो है ना पंजाब सटा हुआ, तो झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज जो है ना वहीं। इवन दो द सक्सीडेड कैप्चरिंग लोहगढ़ एफोर्ट बिल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, तो लोहगढ़ कौन बनाया था, गुरु गोविंद सिंह बनाए थे। नॉर्थ ईस्ट ऑफ अम्बाला, अम्बाला रेलवे स्टेशन जाइएगा ना, अम्बाला कैंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जाइएगा ना, तो गुरु गोविंद सिंह देख बनाए थे लोहगढ़। एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, ये क्या है, हिमालय के तराई क्षेत्र जो होते हैं ना, नीचे क्षेत्र वहीं पर है, फुट हिल्स नीचे क्षेत्र, फुट मतलब पैर होता है, जानते हैं ना। तो अदर इम्पोर्टेंट सिख स्ट्रॉन्ग होल्ड द सिख कुड नॉट बी क्रस्ट इन, देखिए 1712 में रिकवर्ड द फोर्ट ऑफ लोहगढ़, तो सिख कुड नॉट बी क्रस्ट। तो देखिए सिख फिर से 1712 में लोहगढ़ का किला ले लिया था। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बहादुर शाह और इसके बारे में, ठीक है, जो वही औरंगजेब का पुत्र था 65 वर्षीय, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ समस्याएं हो तो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।